all, welcome back to my channel. If you came here for the first time and wondering about this girl standing in front of you, hi, my name is Sana and I do post beauty and lifestyle related content on my channel. If you haven't subscribed my channel, then what are you waiting for? Just go and hit the red subscribe button with the bell icon too. Then only you will be updated about my every YouTube videos. So, आज है चांद रात, तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बनाया जाए. सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज अपना गार्डन टूर, जो कि आपको पीछे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि है ना अभी मम्मी ने बहुत कुछ डेकोरेशन किया है गार्डन में. सो मैंने सोचा कि ये तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है, और हमने होम डेकोरेशन भी इस बार काफ़ी अच्छा किया है, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. सो चांद रात में और भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो चलिए अभी हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो ये सीढ़ी को हमने यहाँ पे रखा हुआ है. आप लोगों ने इसके पहले वाले व्लॉग में देखा भी होगा जब हम इसे बना रहे थे. मैं फिर भी जो लोग न्यू हैं यहाँ पर, मैं उन्हें बता दूँ, ये वाली जो सीढ़ी है ना, इसे हमने खुद बनाया है घर पे, और पेंट वगैरह सब हमने इसे बढ़िया से किया है. आपको ऊपर आई बटन पर उस व्लॉग की लिंक मिल जाएगी जिस पर हम ये बना रहे थे, मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ. सो यहाँ पर ये कुछ हैंगिंग वाली हमने कुंडियाँ रखी हुई है. दिस इज़ सो प्रिटी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये कॉर्नर. मुझे नहीं पता ये कैमरे में उतने अच्छे से दिख भी रहा है कि नहीं, बट ओरिजिनल में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और मम्मी ने यहाँ पे ये वाली कुंडी को इस तरीके से डेकोर किया है, यहाँ पे मार्बल्स वगैरह रख दिए, और यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का फ्लावर है, और ये सारे भी प्लांट्स हैं यहाँ पे. जस्ट लुक एट दिस, सो प्रिटी. उसके बाद मतलब ये वाला कॉर्नर यहाँ पे हमने ऐसे डेकोरेट किया है, उसके बाद यहाँ से हमारा गार्डन एक्चुअल में स्टार्ट होता है. सो ये सारे तो ऐसे ही प्लांट्स हैं यहाँ पे, इसके ऊपर में हमने ये वाला प्लांट लगा के रख दिया है, और यहाँ पे ये हमने रखा हुआ है. उसके बाद में ये वाली सीढ़ी भी आप लोगों ने देखी होगी मेरे ब्लॉग में, इसे भी हमने बनाया है खुद ही. इसका ऐसा यहाँ पर पूरा नीचे से आ रही है ऊपर. सो इसमें हमने क्या किया है, ये एक मोगरे का झाड़ है ये वाला, इसे हमने इसमें ही लगा दिया है. सो उसकी जो बेल है ना, वो इससे होकर ऊपर ऐसे जाएगी, और यहाँ पे एक और एक बेल है नीचे में, ये भी इसके ऊपर से ही जाएगी लैडर के ऊपर से. बहुत अच्छा लग रहा है ये, मैं दूर से दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसा दिख रहा है गार्डन, बहुत सुंदर लग रहा है. और इस तरफ में है सारे दूसरे प्लांट्स. मम्मी को ना गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, ये सब उनकी ही मेहनत है. यस, हमारा गार्डन अभी कुछ ऐसा दिख रहा है. और यहाँ पे है मेरा फेवरेट कॉर्नर, है ना बहुत सुंदर. चलिए अब हम अंदर जाते हैं. सो गाइज, वी हैव एंटर्ड इन आवर लिविंग रूम. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ, जस्ट लुक एट दिस. मैं पूरा डिटेल में इसका टूर करवा देती हूँ आप लोगों को. सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो ये है हमारा मेन डोर जो अभी छुप चुका है ये कर्टन की वजह से. ये कर्टन हमने कस्टमाइज़ करवाया है, मैं इसे पास से दिखा देती हूँ. सो ये वाला कपड़ा है प्लेन में, और इसके साथ हमने ये वाला लिया था. सो ये पूरा हमने बनवाया है क्योंकि हमारे डोर की जो लेंथ है ना, वो ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल डोर्स. सो इसीलिए हमने ऐसा बनवाना पड़ता है हमें हमेशा. उसके बाद यहाँ पे ये वास हमने रखा है, और ये भी हमने अभी लेकर आए हैं, ये स्टिक्स है यहाँ पे. सो ये कॉर्नर कुछ ऐसा दिख रहा है. उसके बाद ये एक विंडो है. उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे से ये कुछ रखा हुआ है बैठने के लिए. उसके बाद में ये यहाँ पर सोफ़ा, मतलब हमारा सोफ़ा ना एल शेप का सोफ़ा था, लेकिन हमने क्या किया, एल शेप में जगह बहुत कम हो जा रही थी यहाँ के हॉल की. सो इसीलिए हमने इसको ऐसे स्ट्रेट रख दिया, और जो उसका कॉर्नर था उसको हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा था. सो या
आगे बढ़ते हैं हम। ये भी एक विंडो है, और ये वाला जो कवर है ना, इसे भी हमने कस्टमाइज़ करवाया है। ये कलर हमने इस कर्टन से थोड़ा मिलता जुलता ही लिया, ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें और अच्छी दिखे। सो यहाँ पे एक टेबल हमने रखा है, और ये वाला जो फ्लावर है, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, हमने ये लेकर आए थे। ये फ्लावर ना अकेला इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, इसीलिए फिर हमने इसके साथ ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। ये गोल्डन कलर की स्टिक्स हम फिर से लेकर आए, और हमने इसे कुछ ऐसा डेकोरेट किया है। तो ये कॉर्नर कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद ये हमारा सोफ़ा है, अगेन ये सारी चीज़ें हमने कस्टमाइज़ करवाई है। ये जो सोफ़ा कवर दिख रहा है ना, ये सारा हमने कर्टन के हिसाब से ही करवाया है, ताकि यू नो सब कुछ अच्छा सा लगे, बिल्कुल एक अच्छी सी वाइब आए। और यहाँ पे टेबल पर हमने ये रखा हुआ है, ये बाउल, मैंने अपने ई शॉपिंग ब्लॉग में आप लोगों के साथ ये शेयर भी किया था, काफ़ी अच्छा है ये। इसके अंदर हमने ये बैम्बू ट्री रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं, ये वाला कर्टन भी हमने लिया है, इसे हमने कस्टमाइज़ नहीं करवाया, इसे हमने रेडीमेड लिया था। तो ये वाला जो है ना, मतलब कलर वगैरह हम पूरा माइंड में रखकर ही चल रहे थे, पहले हमने इसे लिया था यही कलर के हिसाब से, फिर हमने सारी चीज़ें ली, जस्ट लाइक ये वाला कर्टन। और सोफ़े का कवर एक्चुअली हमारा ये गोल्डन और ब्राउन में है, इसीलिए हमने पूरा सब कुछ गोल्डन ब्राउन ही रखा है। उसके बाद ये वाले कॉर्नर में यहाँ पे ये साइकिल रखी है, इसके लिए हमने ये सारे फ्लावर्स लाए थे, पहले इसमें दूसरे फ्लावर्स थे इसलिए हमने उसे चेंज कर दिया, और यहाँ पे ये पर्पल वाला रख दिया, यहाँ पे ग्रीन वाला और ये रेड वाला। सो ये अभी ऐसा दिख रहा है, और ऊपर में तो हमने कुछ खास चेंजेस किए नहीं है, ये जैसा का वैसा ही रखा है, बस क्लीनिंग कर लिया हमने। सो ये कॉर्नर कुछ ऐसा दिख रहा है। सो अभी हमारा लिविंग रूम काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जस्ट लुक एट दिस, सो प्रिटी, माशाल्लाह। सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और मैं बताऊँगी कि मैंने कितना ज़्यादा कबाड़ खाना मचा के रखा है अपने रूम में। मुझे ये भी साफ़ सफाई करनी है आज, क्योंकि कल ईद है, तो आज तो एनी हाउ करना ही पड़ेगा। सो हम ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ना तो ब्लॉग ऐसे ही लंबा हो जाएगा। ये देखिए मैंने कितना ज़्यादा कबाड़ खाना मचा के रखा है, बट डोंट वरी, अभी हम एक मैजिक दिखाएंगे और 3 सेकेंड्स में ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाएगी। सो 1, 2, 3 अभी मेरा बेड कुछ इस तरीके का दिख रहा है, पहले से तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर मैंने अपना ड्रेस निकाल के रखा है, और इसके साथ में ये इयररिंग्स मैंने रखी है, ये इयररिंग्स मैं पहन रही हूँ इसके साथ में, ये ड्रेस के साथ में। ये ड्रेस तो आपने देखा ही होगा, मैंने शेयर किया था अपनी शॉपिंग हॉल, उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा। सो इसके साथ ना ये इयररिंग बहुत अच्छी लग रही थी, और मैं कल ये वाली सैंडल पहनने वाली हूँ, थोड़ी हील है इसमें, थोड़ी ही काफ़ी ज़्यादा ही है। सो ये मैं इसके साथ पहनने वाली हूँ, मैंने इसे इसलिए निकाल के रख दिया है ताकि सुबह सुबह हौश पौश ना हो ज़्यादा। सो या नाइका से भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, और ना मुझे नाइका की तरफ से फ्री गिफ्ट्स भी रिसीव हुए हैं। सो अभी मैं इन सब चीज़ों को अपने ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि कल ईद है तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी। सो मैं डेफिनेटली ईद बाद आप लोगों के साथ एक नाइका हॉल शेयर करूँगी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर चांद दिख गया गाइस, सो चलो अभी हम चलते हैं ऊपर, चांद देख कर आते हैं। कहाँ है चांद? ये है चांद, ये छोटू सा दिख रहा है, फोकस फोकस। वाओ सो प्रिटी। सो गाइज, अभी बज चुके हैं रात के 11, और मुझे तो जल्दी सोने की आदत है, तो आज भी मैं जल्दी सोंगी, क्योंकि लकीली मेरा काम सारे ख़त्म हो चुके हैं आज के, और कल ईद है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कल के लिए। कल भी मैं अलग से व्लॉग बनाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ईद व्लॉग भी आएगा, सो प्लीज़ उसके लिए भी वेट करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।